Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yen Bhutle Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabhadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamlam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Lagunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Larita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deen Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन के नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी हरे कृष्णा, एक बार फिर से वेलकम प्रभुजी माथे जी, आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि क्यों हम लोग ये हफ्ते में दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोस्टली आप सब लोग फ्राइडे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं जो जो फ्राइडे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर या ऑन एंड ऑफ आप अटेंड कर रहे हैं, हैंड्स रेस कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं या फिजिकली कर सकते हैं। तो अनवी माता जी कर रही हैं, हनी माता जी कर रही हैं, कृति माता जी, राहुल प्रभु, निशांत प्रभु, प्रियंका माता जी, हर्षिता माता जी, मोनिका माता जी, आशीष प्रभु, विजेंद्र प्रभु आप भी कर रहे हैं, स्वाति माता जी आप भी कर रहे हैं, पारुल माता जी आप भी कर रहे हैं, आर्यन प्रभु आप भी कर रहे हैं। तो गुड, मोस्टली आप सब लोग फ्राइडे का सॉलिड अटेंड कर रहे हैं, तो ठीक है, हैंड्स नीचे कर सकते हैं। तो हम सब लोग भगवान की कृपा से अभी भगवद गीता को जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसीलिए बना, ये संस्था इसीलिए बनाई गई कि लोगों को भगवद गीता का मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि भगवद गीता इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज कॉल्ड मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। पूरा पूरा ह्यूमन लाइफ, पूरा पूरा जीवन जी जाते हैं बिना मैनुअल को रेफर किए, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। परेशान रहते हैं और जो जो हृदय चाहता है वो हमारी चाहत पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि भगवद गीता को रेफर नहीं किया। तो भगवद गीता इज नॉट अ टेक्निकल बुक, भगवद गीता इज नॉट संस्कृत श्लोका जो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, या फिर जो संस्कृत भाषा में निपुण है सिर्फ वही सीख पाएगा या बोल पाएगा। श्लोक याद करना अच्छा है, श्लोक समझना और अच्छा है, श्लोक को अप्लाई करना सबसे अच्छा है, और भगवद गीता एप्लीकेशन की बुक है। अब जो हम फ्राइडे क्लास कर रहे हैं उसमें हम कई चीज़ें डिस्कस करते आए हैं, और हमने पिछले कुछ सेशंस में समझा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आप में से कोई बताना चाहेंगे व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बहुत हम्बली मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो हमारी फ्राइडे क्लास है, सॉरी, ये जो वेडनेसडे क्लास है, आज हम फर्स्ट सेशन मंडे को कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टार्टिंग टू ग्रुप्स, एक इंग्लिश ग्रुप एक हिंदी ग्रुप, तो इसलिए आज आपका मंडे कर रहे हैं, बट नेक्स्ट वीक से वेडनेसडे को ही होगा एक ग्रुप। तो इस ग्रुप में और फ्राइडे क्लास में कुछ डिफरेंसेस रहेंगे हमारी तरफ से, पर एक डिफरेंस जो अपेक्षा करते हैं आपकी तरफ से वो है कि इसमें वीडियो ऑन इज कंपल्सरी। फ्राइडे क्लास में मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई रोटी बना रहा हो, कोई ड्राइव कर रहा हो, कोई ठीक है क्लास में हाजिरी मार दी बट आपस में बातचीत भी कर रहे हो वीडियो ऑफ करके, वो चल जाएगा। बट इस क्लास का लाभ तभी होगा कि आप वीडियो ऑन करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव क्लास, दिस इज नॉट अ लेक्चर क्लास। और तो प्लीज़ मेरा विनम्र निवेदन है कि अनलेस किसी को कोई एमरजेंसी है
अदरवाइज जैसे प्रियंका महते ने बोला आई एम ड्राइविंग, दैट्स फाइन ओके, तो अनलेस इमरजेंसी नहीं है तो आप प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि आप मुझे देखिए और मैं आपको देखूंगा, और आपको अच्छा लगे ना लगे मुझे देख के, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप सबको देखकर कि इतने सारे उत्साही भक्त इकट्ठे हैं भगवदी तो समझने के लिए। तो बाकी लोग भी प्लीज, पारुल माता जी, एकता माता जी, हनी माता जी, सौरभ प्रभु, कृति माता जी, अनवी माता जी, और ठीक है हनी माता जी डिनर बना रही हैं तो अगली बार हम डिनर आपके घर आके देंगे। हरे कृष्णा। ठीक है हरे कृष्णा। तो एज फार एज पॉसिबल प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ का क्या पर्पज है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। वंदना माता जी, ओके लेट्स स्टार्ट विद यू, यू आर द हरे मोस्ट कृष्ण, सीजन्ड इन दिस ग्रुप एक्चुअली। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो मुझे समझ में आता है वो ये है, हमारे जीवन का पर्पस जो है वो है बैकुंठ धाम जाना, प्रभु के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके धाम में जाना, ये ओके हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है। वेरी गुड, लाइफ का अल्टीमेट गोल है भगवान के चरणों में जाना, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई बोलना चाहेंगे? प्रतिभा गुप्ता मथी बोल रहे हैं गोल इज भक्ति करना, भगवान को खुश रखना। ओके, भगवान को खुश रखना, भक्ति करना, और वो करके क्या करना, भगवान के धाम जाना, टू रिकनेक्ट विद कृष्णा। कृति माता इज सेइंग टू रिकनेक्ट विद कृष्णा, ओके यस गुड। ब्रिजेंद्र प्रभु, प्रभु जी, आई थिंक हमें जो है द मेन गोल इज टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वेरी गुड, द विशियस सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकलना। और कहाँ जाना, बाहर कैसे निकल सकते हैं, भगवान के बाय धाम चैंट, पहुंचेंगे तो यहाँ से हम बिल्कुल, आई एम श्योर चैंटिंग इज अ प्रोसेस, बट यहाँ से बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाना पड़ेगा मुझे प्रभु एक, के चरणों में। यस वेरी गुड, मुझे एक घर से बाहर निकाल दिया तो दूसरा घर मेरा होना चाहिए। तो जी दूसरा घर क्या है, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, जहाँ पर भगवान व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, भगवान एक पर्सन है, वो रहते हैं, इज द हेड ऑफ हर फैमिली, हमारी वेट कर रहे हैं, हमें उनके घर में जाना है। और हमने पिछले कुछ सेशंस में जब 8वां अध्याय डिस्कस करते आए हैं तो भगवान ने वहाँ पे यही बोला है कि जो एक श्लोक आया था उसमें आया था, अंत समय में जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे धाम में आएगा। और भगवान ने ये भी बोला था कि जिसको जिसका स्मरण होगा वहां जाएगा, यानी कोई कृष्ण का स्मरण करेगा कृष्ण के पास जाएगा, कोई दिव्यता का स्मरण करेगा उनके पास जाएगा, कोई धन का स्मरण करेगा तो अगला जन्म उसका धन धनी परिवार में हो सकता है, चाहे मनुष्य के रूप में हो या पेट डॉग के रूप में हो, डेट इज डिफरेंट, वो भी कर्मा का एक पार्ट है, बट एनीवे जैसा जो स्मरण होगा उसके अनुसार हमें जीवन मिलेगा। और डेफिनेटली हमारा गोल है भगवान के पास जाना, तो अंत में स्मरण किसका होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हमें होना चाहिए। अब बताते हैं जब मृत्यु का समय होता है तो उसमें इतना दर्द होता है, क्यों दर्द होता है हम समझ सकते हैं, हम सब कौन है, एनीवन, हम सब कौन है, मैं कौन हूं, आप कौन है, एनीवन, आत्मा है, हम आत्मा, सब आत्मा। सब आत्मा है। तो जब मेरे पास ये मेरा मोबाइल है और मैं मार्केट में गया हूं और चलते चलते मेरे हाथ पे मोबाइल है, किसी ने एकदम से मेरा मोबाइल छीन लिया तो क्या होगा, कोई बोलना चाहेगा, वरना होते नहीं, आप नहीं, कोई और बोलना चाहेगा, किसी ने मेरा मोबाइल छीन लिया चलते चलते क्या होगा, मेरा नहीं आपका, आपका मोबाइल छीन लिया, वो आप बेटर बता पाएंगे। स्वाति बुरा माता, लगेगा प्रभु जी, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, यू आर वेरी जेंटल लेडी, इसलिए आप बहुत सिविलाइज वे बोल रहे हैं, बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा, बहुत हलबली में कहा, मेरा मेरा मोबाइल कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, नहीं हम छटपटा जाएंगे, हम गाड़ी हाँ पार्क सर, की है और वापस आए शॉपिंग करके देखा गाड़ी नहीं है, क्या होगा, पागल हो जाएंगे हम लोग। तो यानी जो कोई भी चीज मेरी होती है जब वो एकदम से मेरे से छिनती है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है। और मृत्यु के टाइम जिस चीज में हमारी सबसे अधिक अटैचमेंट रही है वो हमसे छिनने वाली है। किस चीज में अटैचमेंट रही है आशीष प्रभु, हमारी कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें बॉडी, सबसे, यस सर,
बॉडी मतलब यस मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत सारी जो जिससे हम अटैच्ड है हाँ, चीजें तो हैं, मोबाइल कार तो है, पर सबसे अटैच किससे है? बॉडी से। तो बॉडी से। मृत्यु के टाइम क्या होने वाला है, हमारी बॉडी हमसे छीनी जाएगी, तो कितना दर्द होगा। तो जब मोबाइल छीनता है तब भगवान का स्मरण होता है क्या? नहीं होता। मते ने बोला, पर स्वाति मते ने बोला, गुस्सा आता है, ये छटपट आ जाते हैं। गाड़ी खोती है, भगवान का स्मरण होता है? नहीं होता। जब ये छोटी छोटी चीजें खोती हैं तब भगवान का स्मरण नहीं होता। और मृत्यु जब शरीर छीना जाएगा हमसे, तब किसका स्मरण करना पड़ेगा? भगवान भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। हो जाएगा? आपको लगता है किसी को हो जाएगा? एनीवे, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, प्रभुपाद जी बोलते थे, नेपोलियन ने भी बोला। तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर सोच सकते कितना कितना कठिन है। इसका मतलब, बट वी हैव टू डू इट, दैट्स अ गोल। जैसे कोई बच्चे को बोले कि 70% मार्क्स आते हैं और उसका एम्बिशन पेरेंट्स ने बनाया कि IIT में एडमिशन होगा, तो लुक्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर हिम, बट फिर भी पूरा फैसिलिट करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो अचीव कर सकता है, गोल अचीव कर सकता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के पास जाना, उसके लिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। भगवान का स्मरण तब होगा अगर भगवान से हमारा प्रेम होगा। अगर हमारी अटैचमेंट टू कृष्णा इज हायर देन अटैचमेंट टू एनीथिंग एल्स, देन वी विल रिमेंबर कृष्णा। बट इफ अटैचमेंट टू समथिंग एल्स इज ग्रेटर देन अटैचमेंट टू कृष्णा, देन वी विल रिमेंबर दैट थिंग, राइट? सो हमें सबसे अटैचमेंट किससे होनी चाहिए? कृष्ण से होनी चाहिए। तो हमारे जीवन का गोल टेंजिबल लेवल पे क्या हो गया कि हमारी अटैचमेंट कृष्णा से होनी चाहिए। एक एक थियोरिटिकल गोल क्या है कि भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए, बट टेंजिबल गोल क्या है कि हमारी भगवान से अटैचमेंट होनी चाहिए। जो हमारे वैष्णव आचार्यास हैं, आचार्य का मतलब जो प्रेडिसेसर वैष्णवाज ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, उन सब ने हमको एक प्रोसेस डिफाइन किया है हाउ टू डेवलप अटैचमेंट फॉर कृष्णा, राइट? सो इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। जैसे आप केमिस्ट्री क्लास अटेंड की और आपको बताया कि कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल को मिलाओ तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, और आप लैब में जाएंगे और दो केमिकल्स को मिलाएंगे, देखेंगे वास्तव में हो गया। तो इसी तरह डिवोशनल सर्विसेज साइंस, डेवलपिंग अटैचमेंट टू कृष्णा इज साइंस, एंड दैट साइंस मीन्स इट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? उसकी शुरुआत है, इसको आप अपने पास नोटबुक है उसमें नोट भी कर सकते हैं, उसकी शुरुआत है फेथ या श्रद्धा। अगर भगवान में श्रद्धा नहीं है तो आप में से कोई फ्राइडे का अटेंड नहीं करेगा। यस नो? अगर श्रद्धा नहीं है तो आप वेडनेसडे का अटेंड नहीं करेंगे। श्रद्धा, तो श्रद्धा एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है कृष्णा के साथ अटैचमेंट डेवलप करने के लिए। श्रद्धा बाय बर्थ, बाय अपब्रिंगिंग, बाय प्रीवियस लाइफ संस्कार्स होती है या नहीं होती, जो भी है, पर श्रद्धा से नेक्स्ट स्टेप हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अटैच, हमारा गोल क्या है? अटैचमेंट डेवलप करना। उस अटैचमेंट को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा का मतलब क्या होता है? फेथ। फेथ का मतलब इट इज कॉल्ड कोमल श्रद्धा, टेंडर फेथ। कभी श्रद्धा होती है, कभी नहीं होती। गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं जो चाहते हैं भगवान से मिल गया तो क्लास बड़े उत्साह से अटेंड करेंगे, कुछ मांगा था भगवान से नहीं मिला तो एकदम से डिजेक्टेड फील करेंगे, लगेगा क्या फायदा हुआ अटेंड करेंगे, छोड़ो ये सब, राइट? यस नो? ऐसी होती है हमारी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा होती है। तो ऐसी श्रद्धा अच्छी है पर पूर्णतम अच्छी नहीं है भाई। इसमें खतरा है दोबारा वापस जो हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं वही जीते रहेंगे। तो इसके लिए, आगे बढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड स्टेप है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, साधु संघ। और हम क्लासेस के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम साधु संघ कर रहे हैं, हम डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? कोई कह सकता है मैं मंदिर में, आप छोड़ो जी ऑनलाइन और जूम को छोड़ो, मैं तो हर रोज मंदिर में जाता हूं और 4 घंटे हर रोज मंदिर में भक्तों के साथ रहता हूं, तो कितना अच्छा एसोसिएशन कर रहा हूं, राइट? आप सोचिए कितना भाग्यशाली व्यक्ति है जो हर रोज 4 घंटे मंदिर में आता है और भक्तों के बीच में रहता है ना? भाग्यशाली है ना? यस नो?
हाथ खड़ा करिए, कौन कौन कहते हैं भाग्यशाली है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि भक्तों के साथ बैठना इज नॉट एसोसिएशन, बैठ के सुनना इज एसोसिएशन, जूम क्लास ज्वाइन करना प्रूव्स दैट आई हैव फेथ. मुझे फेथ नहीं होता मैं क्यों एफर्ट करता जूम क्लास ज्वाइन करने के लिए, परंतु केवल जूम क्लास ज्वाइन कर दी और मैं यहां वहां हाँ कुछ ना कुछ कर रहा हूं तो मेरा फेथ रहेगा, बट ऊपर नीचे का फेथ रहेगा. अगर मैं एक घंटे के लिए सब चीजों को छोड़कर क्या करेंगे, पूरा ध्यान यहां पर देंगे, जब ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, जो यहां बताया जा रहा है वो सुनेंगे, तो क्या हो गया, डिवोटी एसोसिएशन. सो दिस इज आई सेड दिस इज साइंस, दिस इज साइंस. तो जैसे ही एसोसिएशन करेंगे हमारी श्रद्धा जिस लेवल पे थी उससे बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि पूरा ध्यान देके भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आत्मा के बारे में सुन रहे हैं, आत्मा भगवान के संबंध के बारे में सुन रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेंगे. उसका जो नेक्स्ट लेवल है, थर्ड स्टेप, ये सीढ़ियां है, इट्स अ लैडर, इट्स कॉल्ड भक्ति योगा लैडर. जो फर्स्ट स्टेप क्या है, फेथ या श्रद्धा. सेकेंड स्टेप क्या है, साधु संत या डिवोटी एसोसिएशन. थर्ड स्टेप क्या है, इट्स कॉल्ड भजन क्रिया. भजन क्रिया का मतलब है कि जो साधु ने बोला वो करना. सेकेंड स्टेप क्या था, डिवोटी से सुनना, वो सुनने का मतलब ध्यान से सुनना, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर वो आंसर देंगे, फिर क्वेश्चन पूछना, फिर वो आंसर देंगे. हम सब ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये मतलब क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं. थर्ड स्टेप क्या है कि जो उन्होंने बताया वो हमने किया. फॉर एग्जाम्पल बताया कि आप चैंटिंग करो तो चैंटिंग करना शुरू कर दिया, बोला आप हर रोज गीता से एक पेज पढ़ो पढ़ना शुरू कर दिया, बोला आप आश्रय क्लास ज्वाइन करो आपने आश्रय क्लास ज्वाइन कर ली. यू नो दिस इज साइन, दिस इज ऑलरेडी मूविंग. हमारी क्लास में तो कई भक्त आ रहे थे है ना, पर सबने तो ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने क्या किया, हम इस क्लास को भी ज्वाइन करेंगे. दैट शोज दैट यू आर मोर इंटरेस्टेड, मोर इंक्लाइंड. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये प्रोसेस करने से ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे. इसका फोर्थ स्टेप है, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स. जो ऑब्स्टिकल्स है हमारी डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे अगर हम स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री अच्छे तरीके से करेंगे. स्टेप नंबर टू क्या है, कौन बोलेगा? एसोसिएशन. एसोसिएशन. स्टेप नंबर थ्री क्या है? समन एल्स. स्टेप नंबर थ्री क्या है? भजन क्रिया. भजन क्रिया. भजन क्रिया का मतलब whatever we have listened from the devotees, so that has to be followed and implemented in life. Yes, fantastic. Thank you, Ritumati. जो जो सुना है वो apply करना. तो हमारी आश्रय क्लास इसीलिए स्टार्ट की है कि हम स्टेप नंबर टू और स्टेप नंबर थ्री को और अच्छे तरीके से कर सके. हम फ्राइडे क्लास में भी ऑलरेडी साधु संघ कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, परंतु कोई और पर्सनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो आप सबके सामने नहीं पहुंच पाएंगे, छोटा ग्रुप है उसमें अच्छा पूछ पाएंगे. दूसरा, हम यहाँ पर बुक्स को रीड भी करेंगे. जब हम बुक्स को पढ़ेंगे मिलके तो क्या कर रहे हैं, वो भी एसोसिएशन कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि बुक पे प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको भक्तों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी हैं उसको पढ़ रहे हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, वो हम और इंटीमेट लेवल पे पूछ रहे हैं. इस सबसे क्या होगा, हमारा फेथ और बढ़ता जाएगा. वो करते करते पांचवा स्टेप है निष्ठा. निष्ठा का मतलब फर्म फेथ. अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, अप्स हो, डाउन्स हो, प्लसेस हो, माइनसेस हो, नो प्रॉब्लम, वी विल बी फिक्स्ड. हमें पता है कि ये गोल है, इसमें हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है. और इसके आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हमारी एक दिन आसक्ति क्रिएट हो जाएगी भगवान से, और आसक्ति के बाद वो संभव है कि मृत्यु के टाइम हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे. ठीक है जी, तो ये क्लास हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम स्मॉल ग्रुप में मोर इंटीमेट लेवल पे और मोर डिटेल में डिस्कशंस कर सकें, ताकि एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम अप्लाई कर सकें. और इसी के लिए हम कुछ बुक्स ले रहे हैं. ये हमारे ऑफलाइन जो हमारे प्रोग्राम्स हैं इस्कॉन में, उसमें भी ऐसे ही चलता है. हम लोग सेमिनार्स करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसे आश्रय ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप्स में हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज द फैमिली. ये जो आपका ये जो आश्रय ग्रुप बना है, दिस इज योर स्पिरिचुअल फैमिली. यहाँ पे सब के सब, कोई दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं है,
कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सब किस लिए है, सब यहाँ पर फेलो स्टूडेंट्स हैं कि सब एक दूसरे की सहायता लें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करें और मिल के भक्ति में हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हर्ष, ये जो आपका वेडनेसडे ग्रुप है इंग्लिश ग्रुप, इसमें हर्षदा गौरंगी माता जी विल विल सर्व दिस ग्रुप। शी इज वेरी यंग इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एज, बॉडीली एज, बट शी इज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी, वेरी एडवांस डिवोटी। छोटी सी एज में बहुत ज्यादा उन्होंने भक्ति को, बचपन से एक्चुअली भक्ति को देखा है, प्रैक्टिस किया है, एंड शी इज ऑलवेज, उनका हार्ट ऑलवेज इसीलिए है कि सबकी हेल्प करूं, कि सब भक्ति करें, आगे बढ़े। तो शी विल बी डूइंग दिस सर्विस। तो हम लोग आज मिलके परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट बुक स्टार्ट परफेक्ट बुक को स्टार्ट करते हैं। और जैसे माता ने कहा था आज शायद पीडीएफ पे करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रिकमेंड कि आप सब ये बुक्स लीजिए फिजिकल लेवल पे, अपने पास बुक आपके हाथ में हो, उसको पढ़िए, अंडरलाइन करिए, क्वेश्चन नोट करिए। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है फिर से कि इसमें क्योंकि छोटा ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, आप वीडियोज ऑन करें और हम आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो आई एम देयर विद यू फॉर दिस क्लास टुडे एंड गोइंग फॉरवर्ड माताजी विल 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 लीड दिस क्लास। तो हर्षिता माताजी यू कैन प्लीज, हर्षिता गौरी माताजी यू कैन प्लीज प्लीज गो अहेड। स्वाति माताजी यू वांटेड टू से समथिंग, आपका हैंड अप है। सॉरी हर्षिता माताजी विल विल टेक सम क्वेश्चंस बिफोर दिस। यस यस स्वाति माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी श्रद्धा जो फर्स्ट स्टेप है और निष्ठा जो फिफ्थ स्टेप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन माताजी, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ वंडरफुल लिसनर, वेरी नाइस। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा और निष्ठा सेम है, पर डिफरेंस क्या है? जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा है, जैसे मुझे भगवान में बहुत विश्वास है, मैं हर रोज मंदिर हर सोमवार मंदिर जाता हूँ, शिव जी को जल चढ़ाता हूँ, परंतु कुछ दुर्घटना हो गई तो एकदम से क्या हुआ, वो भगवान से श्रद्धा मेरी हट गई। यानी छोटा सा हवा का झोंका लाइफ में आएगा तो श्रद्धा भगवान से भक्ति से हट जाती है। या हम क्लास अटेंड कर रहे हैं और किसी ने बोला अरे कहाँ किस चक्कर में पड़ गए, किसने बोल दिया कृष्ण भगवान है? स्वाति माता, ये तो हम क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं फ्राइडे क्लास में ना, और कोई बोल देगा किसने बोल दिया, अरे इस्कॉन वाले तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो तो कृष्णा की संस्था, तो कृष्णा को ही तो बोलेंगे। हाँ, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए? और हमारी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, हम कहेंगे हाँ बात तो ये भी सही कह रहे हैं, तो बात ये भी सही कर रहे हैं, बात ये भी सही कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, हम कंफ्यूज हो गए। दिस इज कॉल्ड श्रद्धा। बट निष्ठा का मतलब फर्म फेथ, माय फेथ इज नॉट ऑन सेंटिमेंटल लेवल, माय फेथ इज नॉट ऑन एक्सपीरियंशियल लेवल, माय फेथ इज ऑन फिलोसॉफिकल लेवल। मैंने सिद्धांत को समझा है और प्रैक्टिस भी किया है, और अब मुझे पक्का है कि कोई कुछ भी कहे और जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, मुझे पता है भगवान कौन है, मेरे जीवन का गोल क्या है, और मुझे उस गोल में आगे बढ़ना ही पड़ना है। तो निष्ठा इज फर्म फेथ, जिससे नीचे गिरने का चांस बहुत कम होता है। जो श्रद्धा है उसमें बार बार खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं। तो हमारे लिए जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण से आसक्ति है, वो बहुत दूर के गोल्स हैं। हमारे लिए गोल क्या है, फर्म फेथ, फिक्स फेथ, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट जाए हमारी भक्ति के भाव से। उस फर्म फेथ को प्राप्त करने के लिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड व्हिच मींस हियरिंग एंड देन प्रैक्टिकली अप्लाइंग भजन क्रिया, उसको हमें करना है। डज दैट आंसर क्वेश्चन माता जी? जी थैंक यू। आप में से कोई और कुछ बोलना चाहेंगे या कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बिफोर वी एंड द बुक टुडे? यहाँ पे आपके बीच में नवीन प्रभु बैठे हैं, नवीन शर्मा प्रभु, तो जो वेडनेसडे का दूसरा ग्रुप है उसकी उसको लीड करने की सेवा नवीन प्रभु करेंगे। तो थैंक यू नवीन प्रभु। सो इस तरह से दो ग्रुप हमारे चलेंगे, इंग्लिश ग्रुप और हिंदी ग्रुप। यस हर्षिता गौरंगी माता, स्वाति माता जी हाथ नीचे कर सकते हैं प्लीज। हर्षिता गौरंगी माता जी, यस वी कैन, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड वी होप कि हम लोग एक साथ इस जर्नी में आगे बढ़े। प्रभु जी विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड। तो प्रभु जी से ब्लेसिंग्स लेते हुए हम आज का ये सेशन है और हम प्रे करते हैं जो मूड है श्रील प्रभुपाद का, हम उस मूड से समझ पाए बुक्स को। तो योर रिक्वेस्ट इज ब्लेसिंग्स वांछा करते रुभश कृपा सिंधु भेज पते दा नाम पावने भयो वैष्णव। यस, तो आई एम श्योर अभी मैंने वैसे पर्सनली भी आप लोगों से बात की थी
ये आई एम श्योर कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बुक्स हैं, राइट? और जिनके पास नहीं है दे कैन प्लीज कॉन्टेक्ट मी पर्सनली एंड वील ट्राई टू अरेंज द बुक्स एज सून एज पॉसिबल. कुछ लोगों का भी माइक ऑन है. आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज स्विच ऑफ. यस, तो आज हम परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर शुरू कर रहे हैं. टाइटल इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इज माई स्क्रीन, आई थिंक सो, इट विल बी विजिबल इन अ मोमेंट. इज इट विजिबल नाउ? Not yet. Yeah, yes, now visible. थैंक यू. सो ये जो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ, ये जो बुक है इट इज बेस्ड कॉन्वर्जेशन बेस्ड बुक है ये. एंड एक व्यक्ति है बॉब करके, जस्ट 22 ईयर ओल्ड पर्सन, एंड वो अपनी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के साथ. तो ये उसके अंदर पूरा डिस्कस्ड है बुक में. तो अब ये उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कैसे ये टाइटल कैसे आया एंड श्रील प्रभुपाद ने ये टाइटल क्यों दिया. सो मैं रीड करती हूँ थोड़ा थोड़ा एंड देन वील डिस्कस इट. सो इट इज, 33 years have passed since I sat near the Ganges River having the conversation. Just a minute. Described in this book since it was first published in 1970. We can't hear you. Hare Krishna, am I audible? Yeah, you are on mute, I think. Yes. Since I have shared many copies, often it has been difficult to explain away a title that talks about my perfect questions. So, इसके अंदर बॉब कह रहे हैं कि ठीक है, आंसर्स तो परफेक्ट हो सकते हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉपर ने ये परफेक्ट क्वेश्चंस क्यों बोला है. एंड देन इट इज, आई वॉज 22 ईयर्स ओल्ड एंड क्वाइट फार फ्रॉम परफेक्शन, येट माई पार्टनर इन कन्वर्जेशन शिला प्रभुपाद सजेस्टेड द टाइटल परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर. And he was quite humble about himself. How did all this perfection come about? अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो बॉब हैं वो किस फैमिली से आते हैं एंड उनकी साइकोलॉजी क्या है. तो उसके अंदर ये बता रहे हैं, माई कंजर्वेटिव ज्यूस फैमिली इंस्टिल्ड इन मी एन इनर लॉन्गिंग टू अंडरस्टैंड गॉड, सेल्फ डिस्कवरी एंड एंटी वॉर प्रोटेस्ट हाईलाइटेड माई कॉलेज डेज. दो इन 1971 आई डिड मैनेज टू ग्रेजुएट फ्रॉम रेंसल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विद अ डिग्री इन केमिस्ट्री. तो हम ये समझ सकते हैं कि दो उस टाइम पे वॉर चल रही थी एंड वो एक ज्यूइश फैमिली से थे, बट सम हाउ और द अदर ही हैड अ डिजायर कि वो जानना चाहते थे स्पिरिचुअलिटी के बारे में. एंड उसके अंदर वो क्या बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभार लोगों के अंदर ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते दे मूव टू स्पिरिचुअलिटी, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ही हैड अ डिग्री इन केमिस्ट्री और ऐसे नहीं है छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से, फ्रॉम अ वेल रिप्यूटेड कॉलेज, बट स्टिल ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअलिटी. देन इट इज, आई लर्न दैट योगा मीन्स यूनियन विद गॉड. द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा अट्रैक्टेड मी, येट डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द टेनेंट्स ऑफ माई अपब्रिंगिंग. स्टिल द प्रेजेंटेशन ऑफ योगा इन अमेरिका ट्रबल्ड मी. एवरी वीक द न्यूयॉर्क डेली न्यूज रैन a centerfold of the latest Indian guru claiming the enlightenment to the world. Who could I trust? It seemed I needed to go to the source, mystical, far away India. After college, the Peace Corps looked like an attractive way for me to explore India, live in village, learn the language, and genuinely check out the Gita and the chanting. So when I was reading this, I could see log Hare Krishna. तो हम लोग चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, बट जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी. एंड स्पिरिचुअलिटी जब भी किसी को समझना है दे वॉन्ट कि वो इंडिया है. तो ये ऐसा नहीं है अभी से है, पहले से ही जो हमारा कल्चर है, अगर किसी को भी स्पिरिचुअलिटी समझनी है दे विश टू कम टू इंडिया. एंड वो कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, आज हम समझे तो हमारे लिए कितना ईजी है ना. वी शुड फील ब्लेस्ड. जिस टाइम में ये लोग थे बॉब वगैरह, उनके लिए कितना मुश्किल है स्पिरिचुअलिटी को जानना. वो बता रहे हैं कि आई वॉज स्ट्रगलिंग, मैं सोच रहा था मैं इंडिया जाऊं. आज हमारा क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाता है, भगवत गीता कोर्स है जी, इनरोल कर लीजिए, हमारे पास सारी वीडियोज हैं, यूट्यूब अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास इस्कॉन अवेलेबल है
जो एक बोनाफाइड सिस्टम दे रहा है, बट जिस टाइम पे बॉब ने ज्वाइन किया है दिस इज सो ट्रबलसम, ही इज फाइंडिंग, और वहां पे क्या हो रहा है, अलग अलग गुरुज आ रहे हैं, और न्यूयॉर्क टाइम में क्या हो रहा है, डेली छप रहा है कि अच्छा अब ये गुरु आ गए हैं, अब ये गुरु आ गए हैं इंडिया से, और वो क्लेम कर रहे हैं कि क्या है वो गॉड है. इंडिया वॉज नॉट एज आई हैड इमेजिन्ड, एब्जेक्ट पॉवर्टी वॉज आई डिस्कवर्ड फॉर द मोस्ट पार्ट एन अर्बन फिनोमेना, दो बेगर्स स्वैम्ड अक्रॉस द सिटीज, द कंट्री साइड वॉज लश विद फार्म्स एंड पीसफुल विलेजेस ऑफ कॉन्टेंट पीपल, अ सटल इल्यूसिव ट्रांसेंडेंस वो परमेटेड एवरीथिंग. तो वो बता रहे हैं नाउ इज डिस्क्राइबिंग, यहाँ पॉवर्टी थी बट यहाँ पे बहुत कुछ सब कुछ सुंदर भी था, पीस था. After starting my assignment as a high school science teacher in Bihar, I began visiting temples, mosques and churches. It was disenchanting. The congregations were not seeking realizations. They were seeking money, good luck and prestige. It was the religious version of the 70s shows, Let Us Make a Deal. Had I traveled halfway around the world and endured Delhi Belly only to find the same shallow values I have seen in the materialistic America? I met various gurus and I remain unimpressed. तो अब वो अपनी dissatisfaction show कर रहे हैं बॉब. वो बता रहे हैं कि मैं गया, मैंने science teacher की job कर रहा था मैं बिहार में, एंड वहां पे मैं अलग अलग गया, mosque गया, church गया, etc. etc. बट कहीं भी मुझे क्या नहीं मिले, answers नहीं मिले. एंड इससे क्या हो रहा था, I was feeling very dissatisfied. और वहां पे भी सब लोग क्या कर रहे थे, मनी को सीक कर रहे थे. तो ये हम देख सकते हैं, आई वुड जस्ट स्टॉप यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग ये देख सकते हैं हमारे आसपास, हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं बट कहीं भी एक साइंटिफिक आंसर्स नहीं मिलते हैं. आई वुड टेल फ्रॉम माय, लाइक आई जॉइन कृष्ण कॉन्शियसनेस व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, बट माय पेरेंट्स जॉइंड जब वो लोग भी, उनके पास भी सब कुछ था, दे वर वेल सेटल्ड इन लाइफ, बट दे वर फाइंडिंग दैट मिसिंग लिंक. तो जैसे आई एम श्योर आप सब लोग भी अपनी अपनी यू नो जॉब्स में, अपने बिजनेस में, घर में वेल सेटल्ड है, बट कुछ ना कुछ हम सीक कर रहे हैं. तो ऐसे ही जो बॉब है ही वॉज सीकिंग समथिंग. तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स जो थे वो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में गए, आई वुड नॉट नेम, बट हाँ 1, 2, 3, 4, 5 में गए, बट कहीं ना कहीं जैसे उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी ना, मेरे पेरेंट्स को भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी. बट वेन दे केम टू इस्कॉन उन्हें समझ में आया कि हाँ यहाँ पे एवरी वन इज इनकरेजिंग क्वेश्चन. आपने भी देखा होगा हम लोग क्लास के बाद कह रहे हैं प्लीज आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन, एंड कोई इस्कॉन में आपसे ये नहीं कहेगा जी आप मनी डालिए तभी आपको हम, एक क्वेश्चन करोगे ना उतना ही आंसर, ऐसा नहीं है. सो यहाँ पे क्या पर्पस है, यहाँ पे लोग बोलते हैं आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए. अब आप भगवद गीता क्लास में आ रहे हैं, आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं? कोई पैसे नहीं है ना. वी आर आस्किंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, दैट इज योर टाइम. तो बॉब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं जब और जगह जा रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था सब लोग ग्रीडी हैं कहीं ना कहीं मनी के लिए. कोई कह रहा था ये कर लो इससे ये मटीरियल डिजायर फुलफिल हो जाएगी, ये कर लो इससे ये मटीरियल डिजायर फुलफिल हो जाएगी. एंड बॉब क्या बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा था क्या ये भी सेम ही है, अमेरिका में चीटिंग हो रही थी तो क्या इंडिया में भी क्या सिर्फ चीटिंग ही होगी मेरे साथ, मैं क्या इतनी दूर ऐसे ही आया था. I'll just share the screen once again. वो बोल रहे लेट्स मेक अ डील, वो ही जो हम कहते हैं ना बिजनेस नहीं करना चाहिए हमें भगवान के साथ, बट यहाँ पे बिजनेस सिखा रहे थे. तो इसके आगे क्या है, माई एग्जिस्टेंस सर्च बिगैन टू गो अप इन स्मोक. इन फेब्रुवरी 1972 आई विजिटेड कैलकटा ड्यूरिंग अ स्कूल ब्रेक. देर वर मेनी द हरे कृष्ण डिवोटीज, मोस्टली वेस्टर्नर्स चैंटिंग. जस्ट आई सी देम इन ग्रीनविच विलेज, दे इनवाइटेड मी टू विजिट अ रिट्रीट 100 miles नॉर्थ टू कैलकटा, डिसाइडिंग इट फिट वेल इन विद माई क्वेस्ट आई अग्री. तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा मैं कैलकटा गया और मैंने सोचा कि ओके वहां पे मुझे वही हरे कृष्णा वाले डिवोटीज दिखे, मोस्टली फॉरनर्स थे. सो दे इनवाइटेड मी टू अ रिट्रीट एंड डिसाइडेड ओके आई विल गो, वी टुक. तो इसका मतलब हम इससे एक लर्निंग और ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे डिवोटीज हमें कहेंगे कि प्लीज आप इसमें आइए, आप इसमें आइए, बट अगर हम उन्हें कैजुअली लेते रहेंगे कि नहीं ठीक है चले जाएंगे छोड़ो ना क्या है ये वो, तो समहाउ और दी अदर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्विटेशन जो कृष्णा हमें भेज रहे हैं हम मिस आउट कर देंगे. लोग बहुत बार कहते हैं, हम जैसे किसी को मंदिर में बुलाएंगे ना किसी सेमिनार के लिए प्रोग्राम के लिए, तो लोग कहते हैं जी जब भगवान का बुलावा आएगा जी हम आ जाएंगे. जी भगवान क्या आए, उतर के आएंगे? नहीं ना,
तो वो तो अपने डिवोटीज को ही भेजेंगे, तो जब वो डिवोटीज आए तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए अरे जब बुलावा आएगा, बुलावा आ चुका है, अब आपकी वो है, अब आप बुलावे को एक्सेप्ट करिए और अब आप आइए। जैसे बुलावा आया था कि हम वेंसडे क्लास ज्वाइन करिए, तो आप लोगों ने वो बुलावा एक्सेप्ट कर लिया है, तो यू आर लकी पीपल। तो ऐसे ही जो बॉब है वो लकी थे, उन्होंने वो बुलावे को एक्सेप्ट किया। एंड नाउ जस्ट सी हाउ दिस वन बुलावा हैज चेंज्ड हिज लाइफ फॉर ऑल गुड। सो इट इज, वी टुक अ ट्रेन थ्रू द वर्डेंट बंगाली कंट्री साइड टू मायापुर, अ ब्यूटिफुल स्पॉट नियर द गेंजिस रिवर। अपॉन अराइविंग आई डिस्कवर्ड दैट मायापुर वॉज मोर ऑफ अ प्लान रिट्रीट फॉर नाउ। इट वॉज अ रिसेंटली परचेज राइस पैडी विथ टेंट्स एंड हट। हाउ एवर द पैडी वॉज नियर अ सीक्रेट बर्थ प्लेस ऑफ द फार्म्ड मिडीवियल सेंट श्री चैतन्य, एंड इन द हट वॉज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट हिमसेल्फ, एन एल्डरली जेंटलमैन नेम्ड श्रील प्रभुपाद। हिज फॉलोअर्स आर बिजी रनिंग अ सूप किचन फॉर द मेनी रेफ्यूजीज फ्रॉम द रीसेंट इंडो पाकिस्तान वॉर। आई प्लंक्ड डाउन इन द मेंस टेंट एंड वॉलेंटियर्ड फॉर द फूड रिलीफ एफर्ट। तो अब वो बता रहे हैं कि मैं आया मायापुर में, तो आई एम श्योर आप में से कौन कौन है जिसे मायापुर के बारे में पता है? ओके, क्वाइट अ फ्यू। सो मायापुर इज नोन एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इस्कॉन। वहां पे चैतन्य महाप्रभु, हु इज नन अदर देन राधा एंड कृष्ण कंबाइंड, तो वो उनका वो बर्थ प्लेस है। तब वो क्या बता रहे हैं, मैं वहां पे गया और वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे यंगस्टर्स, और ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी बूढ़े लोगों के लिए, वहां पे सारे यंगस्टर्स नियरली इन देयर 20s, और वो क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। एंड वहां पे एक हट में, आज हम सोच सकते हैं लोग कहते हैं अरे इस्कॉन वालों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बट दे डोंट नो द स्ट्रगल बिहाइंड, द स्ट्रगल विच श्रील प्रभुपाद डिड। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि मुझे जरूरत नहीं है किसकी, ये बड़े बड़े मंदिरों की। वाई आर वी कंस्ट्रक्टिंग दीज बिग टेम्पल्स, वाई आर वी मेकिंग, लोग कहते हैं आप जी हॉस्पिटल खुलवा दो, स्कूल खुलवा दो, पर अब देखिए इसके अंदर कितना अच्छा पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, हट में रह रहे हैं प्रभुपाद, और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहां पे रिफ्यूजी कैंप चल रहा था और वहां पे क्या बोल रहे हैं, सूप बन रहा है। इट शोज द कंपैशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद वॉज वेरी कंपैशनेट। उन्होंने ये जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, वो हमेशा कोशिश करते थे कि जो भी मंदिर में आ रहा है उसे क्या मिलना चाहिए, प्रसाद। एंड प्रभुपाद ने बहुत एम्फसाइज दिया है प्रसाद के ऊपर। तो हम आगे पढ़ते हैं। देर वर 60 और सो कृष्णा फॉलोअर्स, मोस्टली अमेरिकन और यूरोपियन एंड अंडर 25 ईयर्स ओल्ड। दे वर एंथुजियास्टिक टू से एट लीस्ट। मेनी वर एंक्शियस टू शेयर देयर पर्सुएशन विद द ओनली इंग्लिश स्पीकिंग गेस्ट मी। हाउएवर आई वाज इनवाइटेड टू मीट श्रील प्रभुपाद एंड आई सेंस दैट इट वाज द रीजन दैट आई हैड कम टू इंडिया। यस, तो वो यही बता रहे हैं कि सारे, जस्ट इमेजिन, उन्होंने पहले क्या बोला, राइस पैडी फील्ड्स हैं, एंड वो राइस पैडी फील्ड्स में कौन लोग रह रहे हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन लोग रह रहे हैं, और किसके साथ, एक वो बोल रहे हैं एक ओल्ड व्यक्ति है उनके साथ, एल्डरली व्यक्ति, और उनके साथ ये लोग रह रहे हैं। सो इमेजिन क्या कॉन्शियसनेस रही होगी उन लोगों की, कि वो सब कुछ छोड़ के अपने यहाँ पे आ गए। एटलीस्ट इस्कॉन में अब आपसे कोई ये तो डिमांड नहीं करे, आप सब कुछ अपना घर बार छोड़ के आइए और राइस के पैडी फील्ड्स में रहिए, आपको पूरा एसी हॉल देते हैं, जूम का कंफर्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं, तो अब आपको कोई पैडी फील्ड्स में नहीं बुला रहे। वो जितना स्ट्रगल करना था वो प्रॉपर डिसाइपल्स ने कर दिया है। यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्शिता मतलब योर वॉइस इज क्रैकिंग, हरे नेटवर्क प्रॉब्लम, देयर कृष्णा, वाज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, नॉट एबल टू हियर यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, अरे बोल, आवाज आ रही यस है प्रभु जी? यस यस यस। नाउ फॉर द परफेक्ट क्वेश्चन पार्ट दैट कॉज्ड मी सो मच डिस्कम्फर्ट, द भगवद गीता द प्राइमर ऑन द ट्रांसेंडेंस इंक्लूड्स दिस एडोमिनेशन फॉर अ स्पीकर, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली एंड souls can impart knowledge onto you because they have seen the truth.
तो भगवद गीता में श्लोक है 4.34 में, तद विधि ज्ञानेन तत्व दर्शना। तो ये उसका ही ना उन्होंने मीनिंग लिखा है। तो ये मैं क्यों बता रही थी कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने बताई है। अब हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं, हम फ्राइडे क्लास कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो वी शुड आस्क क्वेश्चंस, बट वी शुड नो द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्या है, विजिट अ गुरु। कैसा गुरु होना चाहिए? बोनाफाइड गुरु। ऐसा नहीं है कोई भी चलता फिरते को हम पूछने शुरू कर दें, हाँ जी आप बताइए हमारी पर्पस ऑफ लाइफ है क्या है क्या क्या। तो हम किसी को भी अपना गुरु नहीं मान सकते। किस में आना चाहिए वो, डिसिप्लिक सक्सेशन, मतलब गुरु परंपरा, हमने पहले भी डिस्कस किया है। बोनाफाइड गुरु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंक्वायर विदाउट चैलेंजिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अभी ऐसे इस जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो हमें लगेगा हमें समझ ही नहीं आ रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें ये समझना है, हमें चैलेंज नहीं करना है, हमें ओपन माइंड के साथ उसको, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको, अगर जो आंसर आने वाला है हमें उसको भी क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए। तो हमें सुनना उस मूड में चाहिए कि मुझे समझना है, ना कि इस वे में कि हमें उसे चैलेंज करना है कि अच्छा अब बोल के अब बताओ जी आंसर, अब बताओ जी आंसर, ऐसे नहीं। वी शुड आस्क इन अ वे दैट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, एंड देन इट इज असिस्ट द गुरु इन सम वेज। तो ये जो है ना, विजिट अ गुरु और असिस्ट द गुरु इन सम वे मीन्स रेंडर सर्विस। तो इसके अंदर बोलते हैं कि अगर हम अपने गुरु को असिस्ट करेंगे ना, तो जो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो क्या होती है, वो अंदर से हमें कृष्णा जो है वो अवेकन करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, इसका क्या मतलब है रेंडर करने का? तो क्या अब हम उनके घर जाएं, उनके बर्तन मांजे, या उनकी वो ड्राइवरगिरी करें, क्या ये है असिस्टेंस का मतलब? नहीं, असिस्टेंस का मतलब है जो गुरु इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें इंस्ट्रक्शन मिला है कि हमें चैंटिंग करनी है, तो दिस इज एन इंस्ट्रक्शन। तो जितना हम चैंटिंग करेंगे उतना क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी कि हम ये जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये समझ पाए। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, हम अपनी मटेरियल इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। और इसके अंदर आप ये जो बुक है ना, दिस इज वेरी नाइस, सो हाईली एजुकेटेड, बट वो ये जो सब समझ पा रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद उन्हें समझा रहे हैं। नेक्स्ट इज द गीता सजेस्ट दैट द गुरु कैन इम्पार्ट नॉलेज, थ्री कंडीशंस आर मेट। विजिटेड प्रभुपाद वॉज टू एक्सप्लोर रादर देन कंटेंट। आफ्टर मीटिंग एंड स्टडिंग मेनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंस्ट्रक्टर, आई वॉज एक्सट्रीमली स्केप्टिकल, येट श्रीला प्रभुपाद फॉलोअर्स इंट्रीव्ड मी। वंस आई गॉट देयर जेलसनेस, आई फाउंड अ जेन्युइन ब्लेंड ऑफ माय मिस्टेक्स एंड रिनाउंसिएशंस अलोंग विद कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस। आई रिजॉल्व टू स्पेंड माय टाइम विद श्रीला प्रभुपाद लर्निंग रादर देन चैलेंजिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू लर्न एंड नॉट चैलेंज। लेटर ऑन आई कुड ऑलवेज डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट व्हाट आई हर्ड। एंड यस, हमें अपनी इंटेलिजेंस लगानी है, हमें कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बन जाना है कि ठीक है जी बोल दिया है इस कौन के गुरु जी ने मान ले। हमें अपनी भी इंटेलिजेंस यूज करनी है, बट सुने तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड वे में सुने। ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि चैलेंज कर रहे हैं। इन दिस वे आई मेट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ गीता थ्री क्रेडेंशियल्स। द फेमाइन रिलीफ प्रोग्राम ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट ऑल्सो ऑक्यूपाइड माई डे, सो आई वॉज एबल टू मीट नंबर थ्री एज वेल। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि क्योंकि गुरु को सर्विस रेंडर करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम उसको समझ पाए, तो क्या था, मैं विजिट कर लिया एक बोनाफाइड गुरु को, और क्या हो चुका है कि मैं सर्व कर रहा हूँ। वो जो वहां पे मैंने बताया ना फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चल रहा था, तो मैं वहां पे सर्व कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी तीनों कंडीशन मेट हो गई। इन Is my screen not moving? हाँ, now it is. From Srila Prabhupada's point of view, following prescription from the Gita, the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession,
and the saintly kings understood it in that way. Srila Prabhupada answered my questions based on the ancient system of disciplic succession, repeating what he had heard from previous authorities and not making anything up. Thus, I had perfect questions for my respectful questions represented by humble messenger of his predecessors. The first conversation I had with Srila Prabhupada was not recorded by secretary. Therefore, ठीक है. So, ये सब है. So, इसके अंदर बहुत important है कि क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये जो डिस्कशन हुआ वो परफेक्ट क्यों है, क्योंकि डिसिप्लिक सक्सेशन के ऊपर बेस्ड है. जो भी प्रभुपाद ने आंसर्स दिए इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है. आज कोई भी लेक्चर देना शुरू कर दे पर इफ दे आर नॉट बेस्ड ऑन शास्त्रास देन इट हैज नो मीनिंग. आज इस्कॉन में बेस्ट क्या है, प्रभुपाद ने सिस्टम सेट किया है, हमें डेविएट नहीं होना है इधर उधर. जो प्रभुपाद ने बताया है हमें बस वही बताना है, और प्रभुपाद क्या बता रहे हैं जो उन्होंने अपने प्रीवियस आचार्य से सुना है. तो इसीलिए जब भी हम कोई गुरु चूज करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम जाने कि उनके गुरु कौन है. एंड ये हमें समझाते गुरु साधु शास्त्र, हमें ये तीनों का क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन. क्या जो गुरु बोल रहे हैं क्या वो शास्त्र में लिखा है, और जो शास्त्र में लिखा है क्या वही चीज गुरु बोल रहे हैं, और हम कैसे जाने कि ये सही बोल रहे हैं. जो हमारे आसपास के साधु हैं हमें उनसे कंफर्म करना चाहिए कि ठीक है वी कैन सी. जैसे एक पेड़ होता है वो कैसा है हम कैसे जानते हैं, उसके फ्रूट्स के द्वारा. तो गुरु कैसे है हम कैसे जान सकते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा. एनी क्वेश्चंस अभी तक, अदरवाइज विल स्टार्ट विद दी, क्योंकि टाइम कम है अभी, विल स्टार्ट विद दी चैप्टर. एनी क्वेश्चंस एज सच. Okay, so let us begin with the chapter then. ठीक है. कृष्णा द ऑल अट्रैक्टिव. सॉरी जस्ट वन क्वेश्चन. यस प्लीज. ये जो शास्त्र है, शास्त्र में हम क्या कंसिडर करेंगे, मतलब अगर हमने पढ़ना है और वैलिडेट करना है तो किन किन बुक्स को या किन वेदांत सार को हम कंसिडर करेंगे शास्त्रों में. हमारे लिए प्रभुपाद ने सब कुछ बहुत इजी कर दिया है. प्रभुपाद ने सारे वेदांत ये वो सब कुछ करके हमें बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स दी हैं, भगवद गीता दी है, श्रीमद् भागवतम दी है, चैतन्य चरितामृत दी है. तो अगर इन द मीन वाइल हम सब भगवद गीता को ऊपर स्टिक करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी. और ये जो छोटी छोटी हरे कृष्णा Am I audible? Yes. तो हमें अभी स्टिक होना है भगवत गीता के ऊपर और श्रीमद् भागवतम के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर प्रभुपाद ने सारा निचोड़ दे दिया है. नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड. जो प्रभुपाद की अगर आप कभी बुक्स पढ़ेंगे ना उसके अंदर उन्होंने हर जगह से रेफरेंस ली हुई है. भगवत गीता इज कंप्लीट इन इट सेल्फ. So we should really read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो हमें अब ये वेदांत वगैरह थोड़ा घूमने की जरूरत नहीं है. He has made it very easy for us. हरे कृष्णा. Does it answer your question, Mataji? Yes, thank you. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ठीक है. तो आप में से कोई दो लोग वो करना चाहेंगे पार्टिसिपेट, एक व्यक्ति बॉब बन सकते हैं, एक व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद. सो थोड़ा प्रतिभा माता जी. ओके. एंड समवन एल्स जो एक और बनना चाहेंगे थोड़े. प्रभु जी. यस एनीवन. आर्यन प्रभु. ओके. तो प्रतिमा माता जी आप बॉब बनना चाहेंगे.
प्रतिभा माता जी आपके पास बुक है? ऑनलाइन वर्ल्ड ओके ठीक है, सो प्लीज आप बॉब से शुरू कर सकते हैं। एज पर द स्क्रीन ना। यस यस सर। Bob, what is the meaning of name Krishna? आर्यन प्रभु प्लीज। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव ऑल कनेक्टिव। अट्रैक्टिव। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। बॉब ऑल अट्रैक्टिव। यस सो अनलेस गॉड इज ऑल अट्रैक्टिव हाउ कैन ही बी गॉड। अ मैन इज इम्पोर्टेंट व्हेन ही इज अट्रैक्टिव इज इट नॉट। इट इज सो। So, God must be attractive for all. Therefore, if God has any name, if you want to give any God name, only Krishna can be given. But why only the name Krishna? Because he is all attractive. Krishna means all attractive. God has no name, but his qualities, we give him names. If a man is very beautiful, we call him beautiful. If a man is very intelligent, we call him wise. So the name is given according to the quality. Because God is all attractive, the name Krishna can be applied upon him. Krishna means all attractive, it includes everything. But what about a name meaning all powerful? Yes, unless you are all powerful, how can you be all attractive? Sam Sundar, Srila Prabhupada's secretary, the name Krishna includes everything. Everything. He must be very beautiful. He must be very wise. He must be very powerful. He must be very famous. Is ओके हरे कृष्ण अट्रैक्टिव टू रास्कल्स? कृष्णा ओ यस हरे हरे कृष्णा। सो यस वी कृष्णा स्टॉप हियर। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि कृष्णा कैसे नाम है एंड कृष्णा का मतलब क्या है। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट प्रभुपाद बेसिकली एक्सप्लेन करना चाहते हैं सिक्स ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्णा। तो कोई भी व्यक्ति कब अट्रैक्टिव होता है? जब उसके पास क्या हो, पावर हो, फेम हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन करें कृष्णा मीन्स दी ऑल अट्रैक्टिव। कोई व्यक्ति कब अट्रैक्टिव होगा? तो यहाँ पे प्रभुपाद सिक्स चीजें बता रहे हैं, सिक्स ऑपुलेंसेस ऑफ कृष्णा इन्हें कहते हैं। दैट इज धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य एंड लास्ट इज वैराग्य। दैट इज धन। तो उसके अंदर क्या कह रहे हैं, ही इज ऑल वेल्दी। देन इट इज धन, बल, ही इज ऑल पावरफुल। यश, आप देख रहे हैं कोई एक्ट्रेस आता है, कोई आज जाता है, कोई आता है, कोई जाता है, बट कृष्णा इतने पुराने हैं पर आज भी हम उनकी जन्माष्टमी मना रहे हैं। ज्ञान उनके पास क्या है, ही इज ऑल नॉलेजेबल। हम ये सारे एट्रीब्यूट्स अभी ये जो चैप्टर है ना इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बताएंगे प्रभुपाद की कैसे वो इतने नॉलेजेबल हैं, कैसे उनके पास सब कुछ है। सो वील डिस्कस दिस। एंड देन इट इज सौंदर्य। कृष्णा इज मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। एंड देन इट इज उनके पास ये सब कुछ है। कृष्णा इज हैविंग ऑल दिस थिंग स्टिल वो गेट डिटैच्ड। वैराग्य दैट इज रिनंसिएशन। तो हम वील डिस्कस इट मोर एंड मोर। तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा टाइम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स लें, तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थोड़ा सा हम इसे इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि हमने बोला है वी वुड लाइक कि हम थोड़े क्वेश्चंस लें और थोड़ा से समझे। यस, ओपन टू क्वेश्चंस और कमेंट्स प्लीज। प्रतिभा माता जी आपने हैंड रेज किया है या ठीक है? अरे ओके यस, नाउ वी कैन। एनी कमेंट्स क्वेश्चंस आप लोगों को कैसा लगा?
बुक रीडिंग कैसी लग रही है एंड एनी व्यूज एनी क्वेश्चंस? यस स्वाति माता जी, हरे कृष्ण. नाइस माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. हरे कृष्ण. तो जो ये सिक्स क्वालिटीज शिला प्रभु पाद जी बता रहे हैं, ये अगर हमें किसी ह्यूमन में मिले तो वो ह्यूमन कृष्ण के बराबर है? यस यस यस. अगर ये एक सिक्स फैक्टर आप टेस्ट भी कर सकते हो, कोई अगर व्यक्ति कहे ना आपसे मैं भगवान हूँ, तो आपको अच्छा आप भगवान हो ठीक है, तो आप बताओ आपके पास क्या ये सारी चीजें हैं? अगर ये सारी चीजें हैं तो आप भगवान हो. हम इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते, लेट से अम्बानी जी का, ठीक है. अब अम्बानी जी हैं, उनके पास आप जी उनके पास इतना पैसा है, बट ध्यान रहे ये जो सिक्स क्वालिटीज हैं उसके अंदर वर्ड क्या है, ये नहीं बोला पावरफुल, ये नहीं बोला है फेमस. नॉट ऑडिबल. हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? अरे बोल प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? योर वॉइस इज यस यस ऑडिबल, वेरी लो. इफ योर वॉइस इज वेरी लो एक्चुअली. हरे कृष्णा. स्वाति मते, वी कैन हियर एक्चुअली. आप थोड़ा सा, वी कैन हियर स्वाति मते, कैन यू हियर मी? No, I think my yeah. Hello. Now I think it's the problem from my end. Hello. No issue. Yeah. Haan ji. Is it audible now? Yes. Yes. Perfect. Audible. Okay. Now, yeah. Yes. Technology cannot be trusted. Only Krishna can. So yes. So मैं आपको बता रही थी कि धन बल यश ज्ञान सौंदर्य विरागे ये सारी चीजें हैं, बट उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ऑल. क्या वर्ड है? ऑल पावरफुल. तो हमने देखा है बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर, क्या हो सकता है? हो सकता है उनके पास पावर हो, थोड़ी पावर हो सकता है वो नॉलेजेबल भी बहुत हो सकता है वो अट्रैक्टिव भी बहुत हो, ये सब क्वालिटीज होने के बाद भी, पर हो सकता है उनके अंदर रिनंसिएशन ना हो. पर कृष्णा के पास क्या, ये सब होते हुए भी ही इज अनअफेक्टेड. एंड प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आता है तो ना वो कहते हैं कि ना मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा तुम भगवान हो, तो ना उसे नेचर स्कॉल के लिए जाना होता है, तो प्रभुपाद क्या करते हैं उन्हें ना लॉक कर देते हैं. प्रभुपाद कहते हैं तो वो कहते हैं नो नो प्रभुपाद प्लीज ओपन प्लीज ओपन. तो कहते हैं क्यों, आप तो भगवान हो, आपको क्यों जाने की जरूरत है नेचर स्कॉल, यू आर गॉड. तो वो कहते हैं नो नो प्रभुपाद आई एम सॉरी आई एम सॉरी. तो फिर वो क्या करते हैं, तो ही वो कहते हैं नहीं पहले तुम बोलो कि तुम भगवान नहीं हो, तुम कौन हो, तुम उनके सर्वेंट हो. तो कहते हैं ओके प्रभुपाद ओके आई एम नॉट गॉड आई एम नॉट गॉड. तो हमें समझना चाहिए ये छह क्वालिटीज जो हैं वो किसी भी व्यक्ति में नहीं आ सकती एक साथ, और किस पोटेंसी मैंने के पुल. आप देखेंगे हम सब में ये सारी क्वालिटीज होती हैं, हम सब में ये सारी क्वालिटीज हैं, बट क्या है कम मात्रा में. हम देखते हैं आजकल कुछ एक्ट्रेसेस को देखिए आप कितनी ब्यूटीफुल हैं, ऐश्वर्या राय, उसके अंदर क्या है भगवान की एक क्वालिटी ब्यूटी है. कोई व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, पर ये क्या है कैसे है, जैसे एक समुद्र है उसकी एक ड्रॉप. तो हमारे अंदर हम कैसे, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कृष्णा के अंदर जो क्वालिटीज है सारी हम में, बट क्वांटिटी क्या है डिफरेंट, हमारे अंदर कम है और उनके अंदर क्या है होल में. लेकिन जब उन्होंने मतलब जब उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिया था एज कृष्ण, जो गीता जब उन्होंने गीता बताई थी अर्जुन को, तब तो दे वर एज ही वाज एज ह्यूमन एज एनीबॉडी एल्स नो. मतलब वो मतलब ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ह्यूमन, मतलब नॉट दैट ही डिडंट रिमेम्बर दैट ही इज गॉड एंड और व्हाटएवर, मतलब व्हाटएवर लिमिटेशंस दैट ही हैज, he didn't have those limitations definitely in his head, but to everybody around he was playing human, right? Yes, yes. And उन्होंने बार बार ये भी दिखाया है अपनी powerful, उन्होंने बार बार ये भी दिखाया है कि he is not human. उन्होंने बार बार ये भी दिखाया है he is not human. जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया तो वो क्या दिखा रहे हैं कि he is not ordinary. कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता, पर उन्होंने क्या है फिंगर टिप की, नेल की फिंगर टिप पे उठा लिया, वो भी लेफ्ट हैंड की. सो वो बार बार ये भी डिस्प्ले करें, यस वो अपने ह्यूमन नेचर दिखा रहे हैं
बट बार बार ये भी दिखा रहे हैं कि ही इज नॉट ह्यूमनली. उन्होंने भी संदीपनी मुनि के आश्रम से क्या ली, शिक्षा ली, नॉलेज ग्रहण करी. पर वो क्या, जब वो भगवद गीता का वो उपदेश दे रहे हैं कृष्णा को, तो क्या बोल रहे हैं, मुझे सब कुछ याद है. तो वो क्या बता रहे हैं, मुझे क्या सारी नॉलेज है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की. तो इसे कहते हैं अचिंत्य वेदा वेद फिलोसफी. हमें आगे डिस्कस करेंगे कि भगवान दिखा भी रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और भगवान दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं मैं भगवान, वो कह रहे मैं भगवान हूँ, और कह रहे नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ. तो ये धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे. ओके, गॉट इट. थैंक यू, थैंक यू. हरे कृष्ण. यस प्रियंका माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आज मेरा क्वेश्चन ये, बस मैं ये सदगुरु जी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी. एक्चुअली मैं बहुत मानती थी पहले, बट उनसे क्वेश्चन पूछा किसी ने कि आप कृष्ण और राम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं. तो ही आंसर्ड कि दे वर द एडवांस्ड ह्यूमंस हु वॉक्ड ऑन दिस अर्थ and they played their drama very well and they are detached from their dramas, they are into a very high class dramas and then they are detached from the dramas. To kya unhone shastra vagera nahi padhe hue, matlab I was so surprised to listen to his answer ki unhone kabhi koi geeta vagera nahi padhi kya. To I just want to share with all of you ki jo sadguru ji ko itna mante hain, to main, meri to faith hi unse hat gayi hai bilkul. I'm surprised to listen to his answer. So we cannot comment on him particularly, but yes, हमें यही समझना है कि बॉब ने क्या बोला कि disciplic succession से answers आने चाहिए. हमें ये ध्यान रखना है, हमें like with due respect हमें नहीं पता कि उनके गुरु कौन है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड व्यक्ति के गुरु कौन है. तो हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ये सोचना चाहिए कि क्या हम जिस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, Is he coming from a bona fide परंपरा. हमें कभी भी, इवन यूट्यूब, आजकल क्या है, यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग आ गए हैं और वो हजारों इन्फॉर्मेशन आ रही है. कोई राधा रानी के ऊपर बोल रहा है, कृष्णा के ऊपर बोल रहा है, पर हमें समझना है आर दे बोना फाइड, हूज गुरु, कौन है उनके गुरु. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु कौन है. और इसीलिए बॉब बार बार बोल रहे हैं ना कि मेरे उनके आंसर क्यों परफेक्ट थे. कोई कह सकता है जी ये प्रभुपाद जी तो बड़े एरोगेंट व्यक्ति हैं, अपने खुद आंसर दे रहे हैं, अपने शिष्य के बोल दिए जी उसके क्वेश्चन परफेक्ट हैं, खुद आंसर दे रहे हैं तो जी बोल दिया मेरे आंसर परफेक्ट हैं. पर वो अब इसे क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद यू नो हाँ उसमें बोल रहे हैं प्राउड में कि जी मैं बोल रहा हूँ इसीलिए परफेक्ट है. नहीं, क्यों परफेक्ट है, क्योंकि आंसर परंपरा से आ रहे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग क्यों कहते हैं ना कि यूट्यूब के ऊपर भी हम जब सुने, किससे सुने, We recommend आप लोग, जैसे इस्कॉन फरीदाबाद का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हजारों लेक्चर्स हैं, आप उन्हें सुनिए. आप लोगों को बुक्स पढ़नी है, जैसे अभी बीच में क्वेश्चन आया था ना कहाँ से बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ना इज इजी, बट बुक्स को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड वो हम एक बोनाफाइड टीचर से ही समझ सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माता जी आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या उन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, पर हम तो लकी है, हम बॉब की तरह इतने वो नहीं थे कि हमें राइस के पैडी फील्ड्स में जाके एक स्वामी जी से क्वेश्चंस पूछने हैं. हम अपने घर के कंफर्ट में बैठे हैं एसी चला के स्क्रीन के आगे, तो हम अपने गुड फॉर्च्यून का लाभ उठाएं ताकि हम भी परफेक्शन अचीव करें जैसे बॉब ने करी. ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटिफुल इनसाइट. यस, एनीथिंग एल्स माता जी? ये जो बॉब है, मतलब जब प्रभुपाद शिप पे गए थे वहां पे, तो ये बॉब पहले इंडिया आए थे या फिर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड हो चुका था प्रभुपाद जी की कृपा से तब? ये देखिए ना, उन्होंने कहा ना स्प्रेड हो चुका था, और उनके साथ अमेरिकन एंड यूरोपियंस आए हुए ऑलरेडी. तो ही वॉज सर्चिंग और वहां पे अब इस्टेब्लिश हो चुका था. और इंट्रोडक्शन में पहले ही उन्होंने बताया कि उनका पहले भी इनकाउंटर हुआ था हरे कृष्णा डिवोटी से ना, जब वो चैंट कर रहे थे ग्रीनविच विलेज के अंदर, जब वो चैंट कर रहे थे तो उन्होंने एक बार देखा था. एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर स्पिरिचुअलिटी, एंड फिर क्योंकि इंडिया के अंदर स्पिरिचुअलिटी मिलती है तो ही हैपन टू कम टू इंडिया टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी. तो स्प्रेड हो चुका था मूवमेंट. ओके, Hare Krishna, anything else?
डिटेल्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, ट्रस्ट मी, हम लोग वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम जिस टाइम में आए हैं हम लोगों को सब कुछ बहुत इजीली मिला है. हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें सर्च नहीं करना. पहले के टाइम पे लोग सर्च करते थे कौन बोनाफाइड है. हमें परंपरा मिल चुकी है बोनाफाइड. अब हमें एक, जैसे कहते हैं, एक स्कूल मिल चुका है, टीचर मिल चुका है, अब बस हमें पढ़ना है. वो पढ़ा भी रहे हैं बट अब सेल्फ स्टडी, थोड़ा मेहनत, वो सब हमें करनी है. आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज इन्वेस्ट सम टाइम, एंड जितना टाइम हम इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे उतना कृष्णा विल रेसिप्रोकेट एंड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इस्कॉन इज सो सो मर्सीफुल एंड दिस इज द गिफ्ट बाय श्रील प्रभुपाद. सो हमें उसको वैल्यू करना है. यस प्रतिभा माता जी, एनी लास्ट क्वेश्चंस कमेंट्स? हरे कृष्णा. यस माता जी. इसलिए ये बुक से नहीं है और ये किसी ग्रंथ या किसी गुरु के बारे में मेरा क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन है सी न्यू डिवोटी के लिए, मे आई आस्क? यस यस. जैसे अभी ना एक इस्कॉन में ही एक डिवोटी आया और मैं माला करवा रही थी, जपा माला. तो जो वो लड़का था वो कुरान और बाइबल पढ़ रहा है एंड जब मैंने उससे बात किया ना वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव. तो उसको अपने ग्रंथों से कोई मतलब नहीं था और वो बस कुरान और कुरान गीत गा रहा था. तो उसको बहुत समझा के मैंने माला उसके गले में दे तो दी है ना, और दक्षिणा भी ले ली खुशी खुशी. अब उसको मैं कैसे उसको मोटिवेट करूं, कैसे उसको पढ़वाऊं या माला करवाऊं दे. माता जी, इसके लिए थोड़ा सा और बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, मतलब आप कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, अच्छा क्या ठीक. है. तो दिस इज ऑल कम्स बाय सुकृति. तो आपने जैसे उनसे लक्ष्मी ली है तो उनकी सुकृति जुड़ी है, माला दिया उनकी सुकृति जुड़ी है. तो थोड़ा सा हम इसे पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं कि ठीक आप है उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं. ठीक. एंड जब कुछ काम नहीं करता तो प्रसाद काम करते हैं. तो अगर आप उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, अगर वो ही मैंने आपसे कहा देखना पड़ेगा कहाँ रहते हैं क्या करते हैं, तो अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप उन्हें कुछ प्रसाद दे सकते हैं बिना बताए कि वो प्रसाद है, नहीं तो वो नहीं लेंगे. ठीक है. ओके सो वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द चैट. माता जी, हाउ डू वी नो एट द इनिशियल स्टेज दैट द गुरु फ्रॉम होम वी आर लिसनिंग एंड फॉलोइंग इज अ बोनाफाइड गुरु? एज अ न्यू डिवोटी इवन आई यूज्ड टू लिसन टू सदगुरु एंड रेस्ट ऑफ देम. ओके सो वेरी नाइस क्वेश्चन. कैसे पता करें जी? तो प्रभु जी ने बोला फेथ, फेथ लाना है. तो हम लोग लकी हैं, आपको मैं बता दूं, आप लकी हो, आप ऑलरेडी अब एक बोनाफाइड शेल्टर में हो श्रील प्रभुपाद के, तो आपको वरी करने की अब जरूरत नहीं है. एंड रही बात हम कैसे पता करें, वो ही इसका सेम कॉन्सेप्ट है, गुरु साधु शास्त्र. हम लोग जब आप भगवद गीता खोलेंगे तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन सक्सेशन है, गुरु परंपरा है. तो वो गुरु परंपरा में आ रहा है इसका मतलब वो बोनाफाइड है. और कोई भी गुरु जो है, अगर हमें उनसे भी इंस्ट्रक्शन लेने तो हमें पता होना चाहिए उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन, सोर्स पता होना चाहिए. तो इसीलिए हमें थोड़ी इजी कर दिया भगवान ने ना. तो आप तो हैं ऑलरेडी अब बोनाफाइड में, तो अब मैं आपको गारंटी दे देती हूँ आप बोनाफाइड उसमें है. तो आप टेंशन मत लो, आप बस इस्कॉन वालों को सुनते रहो. इस ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी कहते हैं इस्कॉन इज लाइक अ माफिया. यहाँ पे क्या होता है, लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं पर जाने का कोई वो नहीं होता है क्योंकि कृष्णा पकड़ लेते हैं. तो अब आपको पकड़ लिया है कृष्णा ने, तो वो आपको डेविएट नहीं होने देंगे, आप बस इस्कॉन के साथ फर्म रहिए. ठीक है. और बोनाफाइड गुरु कौन है, वो यही है, इसका सिंपल आंसर ये है कि वो डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए, गुरु परंपरा में आना चाहिए. कोई जैसे आज हमने केस देखे ना, यूपी हाथरस केस वगैरह केस, जो वो अपने आप एकदम से उठ के आ जाते हैं, कहते हैं जी मैं भगवान का रूप हूँ या मुझे उन्होंने एनलाइटनमेंट दिया. तो जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज होते हैं ये बोगस गुरुज होते हैं. प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई कहे आई एम गॉड तो ही इज अ डॉग. तो हमें ये कुछ इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए. कोई भी अगर कहे कि तुम भगवान बन सकते हो, मैं भगवान हूँ, हम सब भगवान है, इट मीन्स वो बोगस गुरु है. तो हमें उस वक्त उसी जगह से भाग जाना चाहिए. इट इज सेड दैट यू डू नॉट चूज द गुरु बट द गुरु चूजेस यू. इज इट ट्रू माता जी?
इट इज बोथ. दिस इज अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, और गुरु चूजेस यू का मतलब होता है कि हमें क्वालिफाइड बनाना पड़ता है अपने आप को, कि गुरु हमें चूज कर सकें, गुरु हमें अपने शेल्टर में एक्सेप्ट कर सकें. दो वी विल ऑलवेज रिमेन अनक्वालिफाइड, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आप सब जानते हैं इस्कॉन में दीक्षा लेना, इट इज अ टफ प्रोसेस, पर तब भी लोग लेते हैं. वैसे लोग जैसे अभी इसको हम थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं कि लोग, हर कोई आजकल चीप गुरुज बनना चाहता है ना, हर बहुत फैशन है गुरु बनाने, हमारे भी गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, पर इस्कॉन में तो कितने रूल्स फॉलो करवाते हैं, पर लोग तब भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें सब्सटेंस मिलता है. तो रही बात की क्या हम गुरु चूज करते हैं, हाँ हम गुरु चूज करते हैं जिसके साथ हमारा कनेक्शन होता है, हमारा एक हमें लगता है हाँ इनकी बातें हमें समझ में आ रही हैं तो हम उन्हें चूज करते हैं. एट द सेम टाइम हम उन्हें चूज नहीं करते, हमारा इटर्नल कनेक्शन है हमारे गुरु से, वो भी हमें अपने शेल्टर में आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी एक्सेप्ट करते हैं. तो हम कैसे चूज करते हैं गुरु? बाय मेकिंग अ डिफरेंस, इज ही अ बोनाफाइड गुरु और इज ही अ बोगस गुरु. सो दिस इज नाउ वी आर चूजिंग, एंड वंस वी आर इन अ बोनाफाइड शेल्टर तो हमें समझ में आ जाता है ओके नाउ मैं मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा, और फिर जिसकी बातें मुझे समझ में आ रही है मैं उसको सरेंडर करूंगा. एंड उसके बाद जो गुरु हैं वो भी हमारे टेस्ट लेते हैं, फिर वो एक दो लेवल ऑफ टेस्ट पार होते हैं तो फिर आउट ऑफ हिज मर्सी, कृष्णाज मर्सी, हमें गुरु शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी को और आगे बढ़ाए. ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग, एनी कमेंट्स और एनीथिंग टू बी करेक्टेड प्लीज. थैंक यू वेरी मच एंड आई होप एवरीवन रिलिश दिस और वेरी इनकरेजिंग कि आप सबने ध्यान से सुना, क्वेश्चंस भी पूछे. तो जस्ट टू समराइज वंस अगेन, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का कि इसमें हम फ्री फ्लो डिस्कशन करें, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन करें. जो भी आपके अंदर पॉइंट्स हैं वो पूछिए, ध्यान से पढ़िए. और हम ग्रुप में पढ़ते हैं, इवन बच्चे भी क्लास में पढ़ते हैं, तो ग्रुप स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन सेल्फ स्टडी. क्योंकि अकेले पढ़ना भी अच्छा है, पर ग्रुप में कई चीज़ें दूसरे पॉइंट पूछ लिया वो हमें समझ आता है. आई वुड ऑल्सो इनकरेज कि आप सब लोग, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है, तो अगली क्लास से पहले यानी अगले वेडनेसडे से पहले आप अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए तो और अच्छा होगा, ताकि इट इज़ टू वे ट्रैफिक, है ना. आप लोग भी बताएं कि आपको क्या समझ आया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, लाइक दैट. सो द होल आइडिया इज दैट वील ग्रो टुगेदर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरी वन फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड थैंक यू अर्चना गौरांगी माता जी फॉर मेकिंग अ गुड स्टार्ट टू दिस न्यू सेशन. एंड होप टू सी यू ऑल ऑन फ्राइडे ऑल्सो, बिकॉज फ्राइडे में गीता पढ़ते रहेंगे. और ये हमारी, मतलब छोटा था तो ना टेक्स्ट बुक के साथ MBD और GPS गाइड होती थी, कुंजी बोलते थे, कुंजी. तो हमारी वेडनेसडे क्लास कुंजी क्लास है. हम परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर कुंजी है, गीता की कुंजी. सिंपल लैंग्वेज में प्रभुपाद क्वेश्चन आंसर के हमसे बता रहे हैं. तो हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहेंगे और कुंजी भी पढ़ते रहेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट. एंड प्लीज चैंट, और आप में से जो ज्वाइन करना चाहें, मॉर्निंग में 6 to 7 करते हैं, कुछ वक्त ज्वाइन करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट आप करना चाहें तो प्लीज ज्वाइन करिए, उसमें भी चैंटिंग साथ करने के लिए. थैंक यू, थैंक यू अर्चना गौरांगी माता जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच माता जी. हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा 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 प्रभु. कृष्ण प्रभुपाद की जय. संबंध हरे कृष्ण, थैंक यू थैंक यू कृष्ण. थैंक यू.